गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही बरकातहू। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 होमवर्क गिवन किए थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा रिमेनिंग था, आज हम वहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से एक्सरसाइज 6.1 के। अब 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है कि 2 स्क्वायर नंबर के बिटवीन के अंदर और कितने नंबर जो है वो लाइक बिटवीन होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर्स बिटवीन लाइक बिटवीन नंबर्स लाइक बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, मैं ऐसे एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको, तो भाई हमें फाइंड करना हो 14 और 15, इन दोनों के स्क्वायर के बिटवीन के अंदर कितने नंबर्स होते हैं 14 और 15 के। तो बेटा इसका मैं एक जनरल फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि जो नंबर्स का है, ग्रेटर नंबर को आप ए एज्यूम कर लो, स्मॉलर नंबर को बी एज्यूम कर लो। जैसे ये ग्रेटर है ए, ये बी, तो नंबर्स का जो फॉर्मूला होगा कि भाई कितने नंबर्स होंगे, तो नंबर्स का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वन, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस, स्क्वायर के डिफरेंस में से एक माइनस और कर दीजिए तो वो हो जाएंगे टोटल नंबर लाइक बिटवीन देम। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ए कितना हो गया 15 स्क्वायर, बी कितना हो गया 14 स्क्वायर माइनस और वन, 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196 एंड माइनस वन, 225 माइनस 196 करेंगे तो ये आएगा 29 और लास्ट में माइनस वन तो ये हो जाएगा 28। ओके फ्रेंड्स, तो 196 और 225 के बिटवीन में क्या आएगा, 28 नंबर्स होंगे। तो देखो 196 के बाद 197, 198, 199 एंड 200 कितने हो गए, 4 नंबर, और 201 से 224 तक 24 नंबर और हो गए, तो 24 और 4 कितने हो गए 28 नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट, आपको ये होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 9 इस मेथड से। क्लियर, अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो भी आज हमारा नया टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज 6.2 में जो है वो हमें फाइंड करना है स्क्वायर नंबर, यानी कि फाइंड द स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर। 6.2 जो है किससे रिलेटेड है, टू फाइंड द स्क्वायर से रिलेटेड, यानी मेथड क्या है स्क्वायर को फाइंड करने का। ओके, तो वैसे तो कई सारे मेथड्स होते हैं स्क्वायर को फाइंड करने के, लेकिन जब करेंगे वो हम यूज करेंगे बेटा कि भाई स्क्वायर के एलजेब्रिक के अंदर आपको मालूम है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है ए प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए होती है ए माइनस बी की होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, इन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेसिस हमें जो है स्क्वायर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए स्क्वायर को हम इनके बेसिस, फॉर एग्जांपल अगर मैं गिवन हूँ कि भाई 64 का स्क्वायर फाइंड कीजिए, तो 64 के स्क्वायर में अभी तो हमारे पास केवल सिंगल नंबर है, हम इसको टू नंबर में या सम में या डिफरेंट के अंदर में इसको शो करेंगे, तो हम इसको 64 हो गया इसका लगा देंगे स्क्वायर, और अदरवाइज हम इसको और भी शो कर सकते हैं 70 माइनस 60 कर सकते हैं। तो अगर हम 60 प्लस में करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, 70 माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का होगा। ओके, लेकिन नंबर का जो वैल्यू होगी दोनों की सेम ही होगी, है ना। तो देखिए 60 प्लस 4, अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया ए और ये हमारा बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये ना देखो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो पहले ए का स्क्वायर मीन्स 60 का स्क्वायर
फिर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 4 ab एंड प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 एंड डबल 0, 0 की स्क्वायर यानी है। तो मैंने बताया था कि जिसकी लास्ट की नंबर 10 का मल्टीपल जो होता है 0 होता है, स्क्वायर में डबल 0 हो जाएंगे, तो 10 तो 20 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 2 6 का 12 हो गया 48 एंड लास्ट 0 प्लस 4 की स्क्वायर हो गई 16। नाउ टोटल करेंगे 3600 और 400, 4096, इट इज द स्क्वायर ऑफ 64। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे कि हमने ले लिया 87 स्क्वायर, तो 87 के लिए हम इसको कर सकते हैं 90 माइनस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। 87 को हम कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ 90 माइनस 3 लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया a और ये क्या हो गया b, a माइनस b की होल स्क्वायर, तो बस प्लस की जगह क्या करना है माइनस करना है, तो a स्क्वायर 90 का स्क्वायर माइनस 2a 90 b 3 एंड प्लस 3 का स्क्वायर, ओके b स्क्वायर 90 स्क्वायर 81 और डबल 0 8100, 29 या 83 जा 54, 540 एंड प्लस 3 की स्क्वायर 9। नाउ अब देखिए 8100 एंड 8109 हो गया, उसमें से 540 को लेस करना है, तो जब 540 को लेस करेंगे तो ये आएगा 7569। ये हमारा हो गया स्क्वायर नंबर, क्या हो गया बेटा स्क्वायर नंबर, ओके। तो बेटा ये हमारा स्क्वायर हो गया 7569 किसका 87 का। तो ये हमारे स्क्वायर्स के मेथड है, अदरवाइज अगर कोई और भी हो जैसे अभी हमारा 207 का हमें स्क्वायर करना हो तो ये हो जाएगा हमारा 200 + 7 की होल स्क्वायर, ओके बेटा 200 + 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 200 + 7 के होल स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये कौन है, ये a हो गया ये b हो गया, तो 200 का होल स्क्वायर प्लस 2 a में 200 b में 7 एंड प्लस b स्क्वायर 7 स्क्वायर, 200 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 40,000। कैसा आया 40,000, 20 के डबल 0 करेंगे 40 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 = 4, 4 7 = 2800 एंड प्लस 7 का स्क्वायर 49। नाउ टोटल करेंगे 42,849 इट इज द स्क्वायर ऑफ 207, ओके स्टूडेंट्स। तो नाउ आपको 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है होमवर्क करना है, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये हमने पहले भी कर रखा है, हालांकि व्हाट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, व्हेन सम ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ एनी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू नंबर्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अनदर नंबर देन दे आर कॉल्ड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, यानी अगर दो नंबर के स्क्वायर की सम अगर थर्ड किसी नंबर के स्क्वायर के इक्वल है तो हम उसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं, ठीक है। सम जो है वो स्क्वायर की करनी है, नंबर की नहीं स्क्वायर की सम करनी है, और वो थर्ड नंबर का भी क्या करना है स्क्वायर, उसके क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो हम उसे कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 3, 4 और 5, ये तो हमारे क्या हो गए नंबर्स हो गए। अब देखिए 3 की जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, 4 की जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, 5 की स्क्वायर कितनी होगी 25। अब देखिए इन दोनों की सम 9 + 16 किसके इक्वल है 25 के, तो बेटा ये जो नंबर हुए 3, 4 और 5 ये क्या हो जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स से रिलेटेड, तो बेटा
हमें वन नंबर गिवन होगा, अनदर नंबर हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो इनका जो फॉर्मेट है नंबर्स का, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बाय द वे डिक्लेयर्स की, तो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड एंड ये थर्ड। ओके, ये स्टार्टिंग, ये मिडल और ये सबसे हाईएस्ट, ये सबसे स्मॉलेस्ट, ये सबसे ग्रेटर, ये सबसे ग्रेटर ग्रेटेस्ट। ओके, तो देखिए अब हमें क्वेश्चन के अंदर एनी नंबर गिवन होगा तो वो या तो 2m होगा, या वो m स्क्वायर माइनस 1 होगा, या वो m स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो बेटा हम उसमें पहले m की वैल्यू फाइंड करेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ m इज एन इंटीजर, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर इंटीजर है तब तो वो हमारा जो है वो m की वैल्यू उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और उसी बेसिस हम जो है रिमेनिंग वाले नंबर फाइंड करेंगे। और अगर इंटीजर नहीं है तो हम उसमें इन तीनों में से जिससे भी वो इंटीजर होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको कहा कि वन नंबर मैंने आपको गिवन कर दिया पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का, जैसे वन नंबर मैंने आपको गिवन कर दिया 9। अब देखिए आप इस 9 को जब करेंगे, अगर आप इसको 2m के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि 2m इक्वल्स टू 9, अगर आप इसको सबसे स्मॉलर एज्यूम करें 9 को, सबसे स्मॉलर एज्यूम कर रहे हैं 9 में, तो 2m हो गया इसका, तो 2m इक्वल्स टू 9, तो अब 2m इक्वल्स टू 9 से m इक्वल्स टू होगा 9/2, जो कि आएगा 4.5। तो ये हमारा जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये इंटीजर नहीं है 4.5। नाउ अगर हम m स्क्वायर माइनस 1 लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 1, तो बेटा देखिए m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9 करेंगे, माइनस 1 इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 1, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 10। नाउ क्या ये 10 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इसका भी जो है वो रूट हमारा इंटीजर नहीं होगा। इसका मतलब जो है m की वैल्यू ये भी एक्सेप्ट नहीं है। जब हम m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 9 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा m स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 1 और m स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो ये भी हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि 8 भी हम किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम अनदर एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कि मैंने वन नंबर इसमें गिवन ले लिया कि वन नंबर 12, वन नंबर 12 ले लिया। अब देखिए अगर हम 12 प्लस 1 करेंगे तो 13 होगा, क्या 13 किसी का स्क्वायर होगा? नहीं होगा। प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे 11 आएगा, क्या 11 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। लेकिन अगर 12 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है? 6 आता है, तो इसका मतलब m क्या हो गया? एक इंटीजर हो गया, तो ये एक्सेप्टेबल है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 2m इक्वल्स टू 12, m इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 6। तो m की वैल्यू हमें कितनी लेनी है? 6 लेनी है। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, देखो m स्क्वायर रहना है, m की वैल्यू 6 है, तो m क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर माइनस 1, 6 हो गया 36 माइनस 1 इक्वल टू 35, एंड नाउ m स्क्वायर प्लस 1, तो 6 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 1 इक्वल टू 37। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इज 12, 35 एंड 37, 12, 35, 37, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज 6.2 आपको होमवर्क करनी है। क्लियर, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।